Hi, I'm Anantya Gangopadhyay, Deputy Administrator of Orchard Institute of Technical Education and Research. आज हम करेंगे correlation. Correlation, that means अगर दो variable होता है तो वो कैसे related है वो correlation के अंदर में आता है. Correlation दो type का होता है, एक negative correlation, एक पॉजिटिव कोरिलेशन. जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं दो वेरिएबल, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड. अगर किसी चीज का प्राइस हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड कम जाएगा. अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगा. तो ये हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन. दो जो वेरिएबल, एक प्राइस है और एक जो ये है डिमांड है, वो दोनों के बीच में क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा. सेम एज पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे होगा, जैसे कि हम लोगों का हाइट एंड वेट, इन जनरल हाइट बढ़ने से वेट बढ़ जाता है, उसका वेट भी बढ़ जाएगा और हाइट कम होने से वेट भी कम जाएगा. तो हाइट बढ़ने से जो वेट बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन. दो अगर बढ़ेगा तो ये सेकेंड वेरिएबल भी बढ़ेगा और कमेगा तो सेकेंड वेरिएबल भी कम जाएगा. तो और अगर कोरिलेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है, कोरिलेशन का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो वो उसका कोरिलेशन, कुछ कोरिलेशन नहीं है. ठीक है, अभी हम लोग करते हैं और स्पीयरमैन कोरिलेशन. ये दो टाइप का कोरिलेशन होता है, एक कल्पियर्सन है, एक स्पीयरमैन कोरिलेशन है. कल्पियर्सन एक स्पीयरमैन कोरिलेशन. कल्पियर्सन एक कोरिलेशन का कोएफिशिएंट निकलता है. कोएफिशिएंट एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन में हम लोग रैंक कोरिलेशन निकल जाता है. फर्स्टली हम लोग करेंगे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन. देखो द फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन R, इसको R देके डिनोट करेंगे. R इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस x बार एंड y माइनस y बार डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ x माइनस x बार एंड इनटू y माइनस y बार, इसका होल स्क्वायर. ठीक है, तो कार्ल पियर्सन का रिलेटिव कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला है, x जैसे कि वेरिएबल, एक कलम से हम लोग वेरिएबल लेंगे और x बार मींस इस वेरिएबल का मीन वैल्यू. सेम एज सेकेंड जो कलम है उसका वैल्यू माइनस उसका मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर इनटू y माइनस y बार उसका होल स्क्वायर. अभी हम लोग छोटा एक सैंपल लेके इसका ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे. जैसे कि x का वैल्यू हो गया, हम लोग 6 करके वैल्यू लेगा. जैसे x का वैल्यू 2
वन थ्री टू फोर सिक्स, ठीक है। तो इसका क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड y इज इक्वल टू क्या है, टू थ्री टू टू थ्री टू टू थ्री सिक्स एट। अगर ये हम लोग का दो कलम है, एक एक्स और एक्स वाई, तो एक्स में जो होता है कि इसका टोटल करके डिवाइड बाई एन हो गया, हम लोग का मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल वैल्यू देखो कितना है, फॉर टेन टू ट्वेल्व 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 हो गया और ये 25 हो गया। तो व्हाट इज मीन, इसका मीन हो जाएगा एक्स मॉड, दैट इज एक्स का मीन हो जाएगा 18 बाय 6, तो 3, एंड y मॉड इसका वैल्यू हो जाएगा 24 बाय 6, तो ये 4। अभी हम ये करेंगे x माइनस x मॉड, इसका वैल्यू निकालेंगे। x माइनस x मॉड का वैल्यू क्या होगा, इसका मीन हो गया x मॉड का 3, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 ये हो गया माइनस 1। ऐसे ही हम लोग माइनस करते करते जाएंगे, 1 माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस 2, 3 माइनस 3 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, 2 माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 1, ये 4 माइनस 3 तो ये पॉजिटिव 1, एंड 6 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 3। ओके, हमें देखो x y माइनस y मॉड, y माइनस y मॉड इसको कैसे निकालेंगे हम, सेम एज 4 है y मॉड का वैल्यू, सॉरी y बार का वैल्यू, एंड ये मीन का वैल्यू है, तो y माइनस y बार तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 तो ये हो गया माइनस 2, सेम एज 3 माइनस 4 तो माइनस 1, 2 माइनस 2 4 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 1 स्टेप 2 और ये 4। अभी इसको हम प्लस करेंगे, जैसे 3 1 4 माइनस 1 तो ये 3 हो गया, माइनस 1 टू, नहीं इसको प्लस हमको नहीं करना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग प्लस नहीं करेंगे। जैसे देखो तो एक्स माइनस एक्स मॉड इंटू वाई माइनस वाई मॉड, इसको निकालने कैसे निकालेंगे हम लोग, कि माइनस वन इंटू माइनस टू तो हो गया टू, माइनस 2 माइनस 1 2, 0 माइनस 2 तो 0, माइनस 1 2 एंड 12। हमको इसको समेशन करना है क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, समेशन ऑफ मॉड एक्स एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वन बार ऊपर में है, तो इसको हम लोग हमको मॉड करेंगे। अच्छा देखो ये टोटल क्या हो जाएगा, सॉरी इसको 12 14
ये तो वन हो जाएगा, ट्वेल्व टू फोर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन नाइनटीन, ये नाइनटीन हो जाएगा। अभी हमको निकालना है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है, क्योंकि नीचे में जो फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ये माइनस वन है तो वन हो जाएगा, अच्छा ये माइनस फोर टू है तो फोर हो जाएगा, ये जीरो जीरो हो जाएगा, वन वन एंड नाइन ये हो गया, और y माइनस y बार इसका होल स्क्वायर आने से हो जाएगा 4 1 4 1 4 16, इसका सम करेंगे 9 1 10 11 12 16 हो जाएगा, ये कितना होगा 16 4 20 21 25 26 26 30, ये हो जाएगा 30। अभी इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला के अंदर में वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी इसका वैल्यू हमको थोड़ा लिखना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, हम कॉपी देख कर लिख लेंगे। R इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x माइनस x बार इसका होल स्क्वायर इनटू y माइनस y बार इसका होल स्क्वायर। तो समीशन ऑफ x माइनस x बार का क्या रिजल्ट आया, ये दो को इंटू करके ये रिजल्ट आया था 19, ठीक है, और रूट का अंदर में आ गया था x माइनस x बार का आ गया था 16 इंटू 30, तो ये 19 बाय रूट ओवर ऑफ इसको 480 हो जाता है, और इसका पॉइंट देख के वैल्यू आ जाता है 21.908 एंड इज इक्वल टू 0.8672। ये तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेटर देख के कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा है स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग ये निकल रहा है। ओके, आज तो हम लोग का कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का मेथड हो गया, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे फिर हम लोग नेक्स्ट दिन में हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन का रैंक निकालेंगे। ओके, गुड बाय चिल्ड्रन।